बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जी। पहले मॉडल का पहला पॉइंट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। बेसिकली रदरफोर्ड ने बता दिया था कि एटम कंसिस्ट करता है एक न्यूक्लियस, जो सेंट्रल कोर होता है एटम का, ठीक है जी। अब उस पे क्या होता है, सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड होता है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो पहले इसमें यही लिखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे जी इसमें, ठीक है जी, कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस इन विच ऑल द पॉजिटिव मास पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड, ठीक है जी। और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देखो जी, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, उस पे चार्ज है जेड ई, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बेसिकली ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, तो के जेड ये डिस्टेंस आर है, के जेड ई इंटू ई बाय आर स्केल। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें ये लिखेंगे जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है जी, और वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड पॉइंट है क्वांटम कंडीशन, ठीक है जी। बेसिकली अब किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन की होगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और किन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है जी, कंजर्व। या आप क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, ये लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। सेकंड लास्ट है स्टेशनरी ऑर्बिट। अब की बार जो ऑर्बिट है, पहले तो रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशन थी कि उसमें से एनर्जी एमिट करता हुआ जाता था इलेक्ट्रॉन, पर इसमें कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा और स्टेशनरी ऑर्बिट में वो क्या करेगा जी, रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, दो चीजें हैं जी, अमिशन हो सकता है और अब्सॉर्प्शन हो सकता है। अमिशन और अब्सॉर्प्शन, कब अमिशन होगा, जब हायर स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर स्टेट पे, तो वो एनर्जी क्या करता हुआ जाएगा जी, अमिट करता हुआ जाएगा। E2 से E1 जा रहा है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जा रहा है, तो एनर्जी अमिट करेगा। और अब्सॉर्ब कब करेगा जी, जब लोअर से हायर जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, तो एच न्यू अब्सॉर्ब करेगा। और दोनों केसेस में फार्मूला क्या रहेगा, एच न्यू का E2 माइनस, ठीक है जी। अगला टॉपिक है जी रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। रेडियस निकालने के लिए दो इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने अभी लिखी थी, एमपी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और एक है एमबी आर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2π, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन से आर से आर कैंसिल कर दिया, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, के जेड ई स्केयर बाय एम वी स्केयर, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन से वी की वैल्यू निकाल ली, एम एच अपॉन 2πmr, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में वी की वैल्यू पुट कर दी जी, वी की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर एम एम स्केयर एच स्केयर, ऊपर चला गया 4πsquare एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू निकालनी है, एम स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला गया, 4πsquare एम के जेड ई स्क्वायर नीचे चला गया इक्वल टू आर। तो ये आर का फार्मूला आ गया, रेडियस ऑफ द परमिसिबल ऑर्बिट। कुछ नहीं कह रहा, दो इक्वेशन थी मेरे पास,
उन्हीं से अदर्स बदल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और हम देखते हैं जी, अगर जेड वन हो और एन बी वन हो, जेड वन मतलब हाइड्रोजन और एन वन मतलब ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन वन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन टू, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन थ्री, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन वन, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट एक ही बार, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड ऑर्बिट एक ही बार एन टू, ठीक है जी। अब देखते जी बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, h की वैल्यू 6.63 × 10⁻¹¹ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg, k फर्स्ट चैप्टर से आएगा 9 × 10⁹, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, कूलम, सारी वैल्यूज डाल के r नॉट क्या आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम सॉल्व करके, इसको बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं, बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं। हाइड्रोजन का जो एटम का जो या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है एट n इक्वल्स टू 1 उसको क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। एक बार क्वेश्चन आ गया था व्हाट इज बोहर रेडियस, तो आप लिख सकते हैं और ये वैल्यू डाल सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या आएगा आर का, हाँ जी 0.53 × एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है जी, एन स्ट्रॉन्ग। अब एन की वैल्यू डाल के आप कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या रहेगी, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr, r की फार्मूला आपने निकाल दिया है उसको पुट कर दो सिंपल, r का फार्मूला क्या है, m² f² / 4π² mkz e² यहां पुट कर दो v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू क्या आएगा एन एच अपॉन 2πm, r क्या रहेगा जी n² f² 4π² mkz e², ठीक है जी। वैल्यू डाल दीजिए, m से एक m कट गया, h से एक h कट गया, 2π से 2π कट गया जी, m से m कैंसिल हो गया, फार्मूला क्या बना वेलोसिटी का 2πkz e² / nh, ठीक है जी, ये वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। अब इसमें भी वही चीज है कि अगर n को 1 ले लिया जाए और z को 1 ले लिया जाए तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कैसे, वही h की वैल्यू की बना है, m है नहीं, a की वैल्यू की बन है और e की वैल्यू की बन है, ठीक है जी। तो हमारा v निकाला जा सकता है और v का जो जनरल फार्मूला आएगा v इज इक्वल टू 2.2 × 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। थैंक यू।